नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सोढ़ी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके साथ ही यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में तारीखों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। इन 5 राज्यों में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच 7 चरणों में मतदान होगा और मतगणना 10 मार्च को होगी। वहीं इन चुनावी राज्यों में वैक्सीनेशन पर भी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि चुनावी राज्यों में कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटा दी जाएगी। इन 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है, जिसके तहत ये कदम उठाया गया है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, जगह जगह से चुनावी राज्यों में बैनर, पोस्टर, होर्डिंग आदि सभी चीजें हटाई जा रही हैं। बताने की कोविड 19 टीकाकरण प्रमाण पत्रों से प्रधानमंत्री की तस्वीर हटाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय कोविन प्लेटफॉर्म पर आवश्यक फिल्टर लगाएगा। सूत्रों के अनुसार ये फिल्टर शनिवार रात को ही लागू कर दिए गए थे, जब चुनावी तारीखों का घोषणा के बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया गया था। चुनाव आचार संहिता सरकारों, उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए प्रभावी हो गई है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 15 जनवरी तक चुनावी रैलियों, रोड शो, पदयात्राओं पर पाबंदी लगा दी है। इस दौरान किसी भी तरह की साइकिल या बाइक यात्रा भी नहीं निकाली जा सकेगी। वहीं चुनाव आयोग 15 जनवरी के बाद कोविड के हालातों की समीक्षा करेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।